Therigatha, chapter 12. सोलह हर एक की थेरी की 16 अटेंसेस हैं टाइटल के अंदर उसके एक ही को मैंने लिया आज पुण्य थेरी का था पुण्य नाम भी काफ़ी पॉपुलर पहले भी एक बार आ चुका है सो सम कंफ्यूजन थी किसी कौन का स्टोरीज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके पहले पुराने जन्मों की तो छोड़ दी मैंने कहानी बहुत सारी इन दिस एरा शी वाज कंसीव्ड इन द वूम ऑफ अ हाउस सर्वेंट अ मर्चेंट अनाथ पिंडिका तो उनकी मेड की बेटी थी शी वाज नेम्ड पुन्ना शी बिकेम अ स्ट्रीम विनर थ्रू हियरिंग द टीचिंग ऑफ डिस्कोर्स ऑन लायंस रोल Afterwards, she tamed the Brahman intent on purification by water. She was honored by the merchant who had made her a free woman. She then asked him for permission to go forth and having gone forth, she devoted herself to gaining of insight. In a very short time, she attained Arahantship. She, being a maid servant, she used to go to get water from the stream. तो एक बार जब वो जा रही थी तो वहाँ कोई ब्राह्मण आ रहा हो पानी ऐसे repeatedly. क्यों कर रहे हो दैट इज वॉट इज गिवन इन द फर्स्ट फ्यू वर्स एंड शी कन्वी वो जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है कि इससे पाप कटेंगे तो वो वही जवाब देती एंड शी एक्सप्लेन्स इन कैसे कैसे हो सकता है So the kind of verses which we associate with Bhule Shah and Guru Nanak, you find same verse here actually. It's a verse in 500 BC. So Brahman jo hai wo convince ho jata hai and then she says to go to take refuge in Bhunda and he does it. So that is the initial part after the 16 verses. She is addressing a Brahman carrying taking dips in the river and then she talks about then she is freed because of her ability to convince somebody to make an Anathpindak is come freed and she allows her to become a nun. Then there are the interactions of the When she becomes enlightened, she uses the same story to repeat the 16 verses. So that has become also her exaltation. So independently, she is not mentioning anything other than this. Udhari aham sīte sadā udhukamodarim अयानं दंड भय भीता वाचो दोष भय पित्ता पानी उदक उदहारी पानी लेके आते पनिहारी कहते हैं हिंदी में सारे सब अहम मैं सीते मतलब शीतकाल में भी ठंड में भी तो मैं पानी लेके जाती हूँ और उसके सदा उदकम उतरे इसलिए मुझे हमेशा नदी में पानी में उतरना पड़ता है पानी इकट्ठा करने के लिए क्यों ऐसा करती हूँ मैं अयानम दंड भाया अवितार तो मेरी अय्या है अय्या तो ऐसे नन को कहते हैं उसको मिस्ट्रेस जो मेरी मालकिन है उसके डर से कि मैं पानी ले जाऊँगी तो डांट पड़ेगी वाच दोसा भय अतीता तो उसके जो हार्श वर्ड सुनने पड़ेंगे उसके भय से मैं ये सब काम कर रही हूँ लेकिन तुम क्यों कर रहे हो सो शी आस्क्ड हिम तुम्हें किसी बात का डर है मुझे तो सिर्फ डर है कि मेरे को मालकिन डांट हुई है इसलिए ठंड में जाके पानी उठा के ला रही तो दीपावली कश्यप ब्राह्मणा त्वं गीतो स
सदा उदकम मोत्तरी एत वेदा मनेही गतेही सीतम वेत वेत्यसे पुष्ण इस हर वक्त आप पुष्ण कर लो आसान तुम ब्राह्मण किसके भाई से ठीक है इसके ब्राह्मण तुम भाई से क्या करते सदा हमेशा बार बार उधर को मोत रहे उस पानी में उतर रहे हो क्या बात किसका भय तुम्हें उसने अपनी पहले तो अपनी कहानी बता दी ना कि मुझे तो इस बात का भय है तुम क्यों उतर रहे हो एंड देन वेदम मन ही लगते ही मतलब कांप रहे हैं तुम्हारे शरीर के लिंग्स जो है कांप रहे हैं सीतम वेदे से भूषण इतनी ठंड क्यों महसूस हो रही है क्यों कर रहे हो क्या परेशानी है ब्राह्मण की वत्तम अनुभूति पुण्य की परिपुच्छ सी अरुणतम कुशलम धम्मम रुंधम तम शतपापतम जानती वत्तम होती जानती है ही मुझसे पुष्टि पुण्य की बोल जो यूज्ड फॉर एड्रेसिंग जैसे कई बार वो डिसरेस्पेक्टफुल भी होता है कई बार रिस्पेक्टफुल भी है तो वे गेस वट एवर ही मैंट जो तुम जानती हो महिला तुम से अच्छी तुम जानते हुए भी पुण्य के पर कुछ तो पूछ रही हूँ मुझसे तो मालूम शी न्यू ही न्यू हर पुण्य नाम तो बोला शी लिव्स इन मस्ट बी अ डॉटर ऑफ गोइंग अराउंड इन लेफ्ट नो पेनी कुछ ऐसा परंतु उसका काम कुशल कर्म करते हुए रुंधम तम कत पाप कर्म जो पाप कर्म है उनको रोक रहा हूँ रुंधम तम रोक कर तो मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ और जो पाप किए हुए मैंने उनको रोक रहा हूँ तो इसलिए ना आ रहा हूँ बार बार योचा मुद्दो दहारो वा पाप कर्म पकुवती दक्का भी से चन्ना सोपी पाप कम्मा पमुचते जो भी यो मतलब जो भी वृद्ध मतलब वृद्ध दहारा मतलब यंग जो भी वृद्ध है चाहे बूढ़ा है चाहे जवान है पाप कम्मा पकुपति जिसने जो पाप कर्म किए हुए हैं दक्का भी से चेसी मसोपी जो पानी में अपने पर डाल रहा हूँ उससे पाप कर्मम पुमुच्यते उससे सारे पाप कर्म से मुक्ति मिल जाएगी इसलिए कर रहा हूँ देन शी रिप्लाइज टू हिम पुनुते इदम अखासी अजानक तस्य अजानको दका सेचना नाम पाप कर्म पुमुच्यते कौन ऐसा कहता है इसने ऐसा पुनुते इदम अखासी इसने तुमको यह कह दिया अजानक तस्य अजानक जो कि जानता नहीं है कुछ एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को कह दिया एक इग्नोरेंट आदमी ने न जानने वाले ने दूसरे इग्नोरेंट को कह दिया और इस अभिषेचन वो ऐसा पानी छिड़कने से पाप कर्म मुक्त हो पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे Then see the argument she gives. Sagam nuna gamisanti sabbe manduka chappo naga cha susumara cha ye channe udke chara agar aisa hota to sare hi heaven chale gaye honge sare jo frogs hain aur turtles hain ye rab milta naga hain jo water snakes hain crocodiles hain aur jitne bhi pani mein rehne wale hain wo sab to sab chale gaye honge fir And she keeps on giving other possibilities. और आप भिका सुकारिका मच्छिका मिगबंधिका चोड़ा चे बद्य गत्ता चे ये चन्ने पाप कम्मिनो धका भी से चांग ते पी पाप कम्मन कम्मन चे अगर ऐसा होता तो ये जो बुचर्स हैं सुअरों को मारने वाले हैं मछलियों को मारने वाले हैं बने मृगों को बंधन मारने वाले हैं चोर लोग हैं घातक लोग हैं
तो सब पानी छिड़क के अपने आप से सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। सच्चे इमान दियोते पापम पुब्बे कतम बहु पुण्यम पि मा वहेयुम ते तेम त्वम परिबाहिरो। इफ अगर ये इमें ये नदियाँ अगर ये नदियाँ पुब्बे पुब्बम कतम बहु ये पुराना परम पाप किया वो उसको भाग ले जाती हैं तो पुण्यम पि वहेयुम तो वो पुण्य को भी भाग ले जाएंगे। तेने तुम परिभाव पर बिल्कुल साफ रह जाओगे ना पुण्य रहेगा ना पाप रहेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मैंने सोचता नहीं ये चीज। या शी इज ट्राइंग टू टेल हिम कि बगैर सोचे समझे किसी मूर्ख ने तुमको कह दिया और तुमने मान लिया। दिस इज पार्ट ऑफ बुद्धास डिस्कोर्स समवेयर। इस तरह का एक उनके भी एक एक और जगह भी आता है इस तरह की बात। पानी छिड़क रहा था शायद अपने वो भी यही कर रहा था। एक और जगह भी आता है। यस ब्राह्मणा त्वं भीतो सदा उद्धत मोतरी तमेव ब्राह्मण ब्राह्मे माँ खासी माँ ते सितम चवे भूमि। तो बिल्कुल सिंपल है इसका ट्रांसलेशन करना ही पड़ेगा। जिस तरह तुम ब्राह्मण डर रहे हो सदा मतलब सदा मतलब सदा हिंदी सदा पूरे तो मतलब पानी उतरे हो डर रहे हो तो जिस डर से तुम बार बार पानी में जा रहे हो वो को मत करो ना जो तुम पाप कर्मों के डर से पानी में उतर रहे हो मत करो। सीधी सी बात है। तमें ब्राह्मण माँ काशी मत करो भाई माते सीतम छवि मैंने अपने शरीर को क्यों ठंड में काफुर कपा रहे कुमार को चलते हुए मुझे मम अरे मक्कम समान अरे मार्ग ले आया। इंप्रेस्ड एंड एक्सप्रेसिंग हिज अप्रूवल कि भाई मैं कुमार पे चल रहा था और तुमने मुझे सदमार्ग पे ले आया है। कहाँ भी सीचना होती एवं साकम प्रदान होती है तो ये जो मेरा गारमेंट है ये शॉल किसी ने ट्रांसलेट किया शॉल है जिसको मैं जिसको पहन के मैं ये पानी छिड़क रहा हूँ वो मैं तेरे को दे देता हूँ एज ए गिफ्ट थैंक्स टू यू। तुहेव सातकं होतु नामिच्छामि सत्तकं सच्चे भयासि दुःखस्य सच्चे ते दुःखं दुःखं प्रियम्। तुहेव सातकं हुआ ये कपड़ा पहनने वाले ना जो गारमेंट है या शॉल है तो ये तुम्हारा तुम्हारा जो गारमेंट है वो नहा इच्छामी साथ का मुझे कोई इच्छा नहीं है तो अपने पास ही रखो ये कपड़ा है तो अपने पास ही रखो क्या एडवाइस के लिए सच्चे मतलब है इफ यदि सच्चे भय से दुख से अगर तुम्हें सचमुच में दुख का भय है सच्चे थे दुखम अप्रियम और अगर तुम्हें दुख प्रिय नहीं है तो क्या करो सचे च पाप कम कमन करे ससी करो सीमा और ये पाप कम मत करो अकेले में या खुले प्राइवेटली या पब्लिकली पाप करो बंद कर दो। सचे च पाप कम कमन करे ससी करो सीमा जो और अगर करेंगे जो आप फ्यूचर में करोगे वो बंद कर दो और जो किए हुए हैं तो उसको नेक्स्ट के साथ है वो कंटिन्यूसली।
नते दुखापमुत्यति उपेक्षापि पलायते सच्चे भयसि दुःखस्य सच्चे ते दुःखापि। तो इसको कहते हैं अगर तुम ये जो उपवाद है सच्चे जो पाप कम कम मन जो इवन डीप जो है अगर तुम अभी जो भविष्य में कर रहे हो या अभी कर रहे हो तो नते दुःखस्य पमुत्यति तुम्हारे दुख से कोई फ्रीडम नहीं होने वाली है। उपेक्षापि पलायते तुम चाहे भाग लो यहाँ से चाहे कुछ भी कर लो दौड़ लो कुछ नहीं होने वाला। फिर वही सेम थिंग चीज रिपीटिंग अगर तुम्हें दुख से भय है और दुख तुमको प्रिय नहीं है तो ऐसा मत करो। क्या करोगे एडवाइजिंग है उपे ही शरणम बुद्धम धम्मम संगम च तादिनम समाध्याही सीलानी तम ते अथाय हेति। उपे ही शरणम बुद्धम बुद्ध की शरण में जाओ धम्मम संगम धर्म और संग च तादिनम उस तरह के जो अभी संग के उस तरह के लोगों के शरण में समाधिया ही सीलानी शील को समाहित करो। समाधि यानी कहते हैं अंडरटेक जो हम कहते हैं ना जब हम शील लेते हैं धन भी हॉल से समाधि आमी खाना भी पाता रेल मनी सिखा पदम समाधि आमी अंडरटेक करता हूँ श्री सेम तुम भी शीलों का पालन करो तब में अत्ता है ही ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए होगा। Then he goes to the Buddha and does that to most people. Same thing is being repeated. Instead of you, it is I. But she knew about Buddha at that time. But she knew about Buddha. She was already a Sotapanna. She had become Sotapanna while listening to a discourse. Anath bin Mayankar. Okay. So she had listened to the discourse of Buddha and became Sotapanna, but nobody knew, neither she. But when she gave this talk to that Brahman and transformed him, to sab log kahe ki badi samajhdar bachchi hai, to usko unhone mukt kar diya ki theek hai, usne kaha mujhe jana hai, I want to become a nun, theek hai chaliye. So then she became a nun. So this became a turning point in her life. So that's why probably she recalled it after she became a nun. पहले था उपे ही करो जाके अब उपेमी मैं कर रहा हूँ उपेमी सरणम बुद्धम धम्मम संगम च तादिनम समाधियम शीला नाही तम में अध्या थी। समाधियामी इसमें वही शब्द है ना जो हम लोग बोलते हैं समाधियामी मैं करता हूँ आई तो इंस्टेड ऑफ यू इट इज आई मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ आई टेक रिफ्यूजन बुद्ध दम्मम संगम से साधन मैं दम्मा एंड संग एंड द अदर सिमिलर वंस आई एंड आई टेक प्रिसेप्ट्स क्योंकि है मेरे भले के लिए मेरे अर्थ के लिए ब्रह्म बंधु पुरी आसी अच्च मयि सच्च ब्राह्मणो ते उच्चो वेद संपन्नो सोतियो जमे अंतहात मोटि। ब्रह्म बंधु पुरी आसी पहले है पुरी आसी ब्रह्म बंधु पहले ब्रह्मा जो ब्राह्मण है ना तो अपनी कहानी ब्राह्मण कहानी के बाद मान्यता के नाम से बोल रहा है ना पहले में ब्रह्मा का परिवार का बंदा था उस थिंकिंग ऑफ अटेनिंग दैट ब्राह्मण अपने को भी मानते ना कि ब्रह्मा के वंशज हैं। अच्छा मैं ही सच ब्राह्मण हूँ आज मैं सचमुच ब्राह्मण सचमुच में ब्राह्मण बना हूँ देवी जो वेद संपन्न हो वेद से तीनों विद्याओं से मैं संपन्न हूँ तीनों विद्याओं से संपन्न हूँ तीनों विद्याएं हैं और वेद संपन्न मतलब नॉलेज से संपन्न हूँ। तो इज अगेन यूजिंग द सेम वर्ड वेद फॉर द नॉलेज बीइंग ब्राह्मण। तो आप मतलब ये वर्ड जो है जब वो अरंत हो गया ब्राह्मण तब वो बोल सोतियो
चमी अंत यहाँ तक सतयुग मतलब मैंने